नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महाशिवरात्रि पर जाने क्या होता है रुद्राभिषेक महत्व और इसके प्रकार। इस साल महाशिवरात्रि 1 मार्च को है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक भी किया जाता है। रुद्राभिषेक कराने से कष्ट, रोग, दोष से मुक्ति तो मिलती ही है। भगवान शिव भी अपने भक्त पर कृपा बरसाते हैं। कई बार काम में सफलता नहीं मिलती है, निराशा घर कर जाती है, हर काम असफल होने लगता है। तब भगवान शिव ही है जो ज्योतिकाल दर्शी है, उनके शरण में जाकर हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक क्या होता है, इसे कराने से क्या लाभ होता है और इसका महत्व क्या है। महाशिवरात्रि 2022 रुद्राभिषेक का अर्थ रुद्राभिषेक दो शब्दों रुद्राभिषेक से मिलकर बना है। रुद्र कहते हैं भगवान शिव को और अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना या करना। इस प्रकार से रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान शिव का अभिषेक। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। सावन माह में या फिर जिस दिन शिव वास होता है उस दिन रुद्राभिषेक कराते हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।